कोरोना संक्रमण का मामला एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 31 लाख के पार चली गई है, जबकि भारत में आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है, जहां अब तक 10.5 लाख संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं 58,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर स्पेन, तीसरे नंबर पर इटली है, जहाँ सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं भारत में पिछले 12 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। भारत में कुल मरीजों की संख्या 31,500 के करीब पहुंच गई है। भारत में महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, जहां संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहाँ 4,500 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहाँ 3300 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से घट रही थी, उसके बाद फिर अचानक से बढ़ गई है। कल रात यानी मंगलवार की रात अचानक से जो है 11 मामले सामने आए। जो मामले सामने आए हैं उसमें सूरजपुर से 10 और जसपुर से 1 मरीज शामिल हैं। इनमें से 1 पुलिसकर्मी हैं, जबकि बाकी सभी मजदूर हैं। ये सभी मजदूर दूसरे प्रदेश के हैं, जो कि महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं। इन मजदूरों को एम्स लाया जा चुका है, जहां उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 48 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34 ठीक होकर के वापस घर लौट चुके हैं, जबकि 14 का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों की तरह मोर्चे पर डटे हैं मीडिया कर्मी। विपरीत परिस्थितियों के बीच पल पल की अपडेट खबर पत्रकार पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोरोना ने कई राज्यों में पत्रकारों को भी अपने चपेट में लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत भरी खबर है। खबर ये कि दिल्ली में 526 पत्रकारों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सिर्फ 3 पत्रकार ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि हमने पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराया, लेकिन सिर्फ 3 रिपोर्ट पॉजिटिव मिले, जबकि 526 रिपोर्ट निगेटिव आई है। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में 52 और चेन्नई में 26 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से बुरी खबर है। यहां ड्यूटी में तैनात 23 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को संक्रमित होने के बाद योगी सरकार ने व्यापक सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने के निर्देश अधिकारियों को दिए। योगी सरकार ने कहा कि जो भी ड्यूटी में अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं, सभी के पास पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं संक्रमित पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संकट के बीच पीलिया ने कहर बरपा दिया है। रायपुर में 600 से अधिक लोग पीलिया की चपेट में आ गए हैं। इनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनको की कई अन्य तरह की बीमारियां भी है। वहीं आज पीलिया से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। महिला का इलाज प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में चल रहा था। जिला अस्पताल अधीक्षक रवि तिवारी ने बताया कि कापा निवासी 30 वर्षीय अनीता निषाद को 17 अप्रैल को पंडरी स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रायपुर में पीलिया फैलने के पीछे दूषित पेयजल का होना सामने आया है, लिहाजा जिन इलाकों में पीलिया फैला है वहां पानी टंकी को साफ कराया जा रहा है, जबकि पाइपलाइन को भी ठीक किया गया है। लेकिन पीलिया जिस तेजी से फैल रहा है, उसने निगम और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है।